सकता है। लोग पानी के अभाव में, पानी खराब पीने के कारण, स्वच्छता न होने के कारण गोरखपुर में इसके पहले हजारों बच्चों का देहांत होता था, 50-50 हजार बच्चों का देहांत होता था। लेकिन 5 साल सरकार बनने के बाद 17 से आदरणीय योगी जी ने, आदरणीय मोदी जी की योजना को गोरखपुर में पूरे राज्य के अंदर जो उन्होंने शुरुआत किया है मित्रों, और शुरुआत के कारण यही स्थिति रही कि आज गोरखपुर में स्वच्छ पानी देने के कारण आज गोरखपुर के अंदर आसपास में अब बच्चे बीमार बहुत कम हो रहे हैं और मृत्यु दर 100 से घटकर अब 5 पर 9 के बराबर हुआ है। हमेशा शुद्ध पानी पिलाना है। देश के अंदर 97% पानी खारा है, 3% में पानी, मात्र 2% पानी पीने योग्य है और उस पानी को भी शुद्ध किया जा रहा है। इसलिए पानी बचा कर रखना है, पानी बर्बाद नहीं होने देना है, पानी का नुकसान नहीं करना है। यदि हमारा जल नहीं रहा, पानी नहीं रहेगा तो जीवन नहीं रहेगा। इसलिए पानी कहाँ से आता है? पानी वृक्ष से मिलता है। इसलिए वृक्षारोपण भी वह करना है, बरसात में जल संचय करना है, यानी घर का पानी घर में, खेत का पानी खेत में, यह भी पानी बहना नहीं चाहिए मित्रों, और यह भी पानी आवश्यकता है, इसलिए इस पानी को बचा कर रखना। चंदौली से पानी शुरू हो और उत्तर प्रदेश व बुंदेलखंड और सोनभद्र के भी जो पहाड़ पर लोग रहते हैं, जो महिलाएं एक एक दो दो तीन तीन किलोमीटर सर पर घड़ा लेकर पानी घर जाती थी, अब उनके घर तक पानी कोई पहुंचा रहा है तो आदरणीय मोदी जी पहुंचा रहे हैं, आदरणीय योगी जी पहुंचा रहे हैं।